हाय गाइस, और कैसे हो आप सब लोग। और गाइस, फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग सेविंग डे शुरू होने वाली है एंड इस सेल के अंदर आप सब लोगों को पता है कि आईफोन्स के प्राइस को काफी ज्यादा अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से आईफोन्स के ऊपर आप सब लोगों को डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एंड आपको एक और चीज बताऊंगा कि क्या आप सभी लोगों को इस सेल से आईफोन बाय करना चाहिए या फिर आप सभी लोगों को कुछ समय के लिए और रुक जाना चाहिए, जिससे आप सब लोगों को और भी ज्यादा बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिले। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपने और मैंने मिलके इस चैनल को 15K सब्सक्राइबर तक लेके जाना है। एंड उसी के साथ बेल के नोटिफिकेशन को दबाइए जरूर, ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड उसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया, मैंने एक नया अकाउंट बनाया, तो उस पर आप सब लोगों को जो सारी डिटेल्स है वो मिलती रहेगी रिगार्डिंग कोई भी लीक किसी भी एप्पल डिवाइस के रिगार्डिंग। तो मेक श्योर टू मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप सब लोग फॉलो करो। सो गाइस, बिना कोई देरी हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल कब से शुरू होने वाली है। सो फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल आप सब लोगों को 13 जून से लेके 16 जून तक देखने को मिलेगी। और अगर आप सब लोग प्राइम मेंबर हो देन आप सभी लोगों के लिए ये जो सेल है 12 जून से शुरू हो जाएगी। सो 12 जून की मिडनाइट से आप सब लोगों के लिए ये जो सेल है शुरू हो जाएगी। सो आपको एक प्रिविलेज मिल रहा है अगर आप सब प्राइम मेंबर हो देन आप सब लोगों के लिए 12 जून से शुरू हो जाएगी ये सेल। सो गाइस, बात करते हैं कि कौन से बैंक के ऊपर हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। सो SBI बैंक के ऊपर आप सब लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। एंड उसी के साथ आप सब लोग अगर क्रेडिट कार्ड या फिर आप सभी लोग EMI पे बाय करते हो SBI के, देन आप सब लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि कौन से आईफोन्स के ऊपर हमें डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। सो सबसे पहले बात करते हैं iPhone SE से। सो iPhone SE 2020 आपको इस सेल के अंदर कॉस्ट करने वाला है 32,000 रुपीज़। आपको एक ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, बट अगर आप सब लोग बाहर से बाय करो देन ये डिवाइस आप सब लोग 40,000 रुपीज़ का कॉस्ट करता है। सो आप सब लोगों को 8,000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट इस सेल के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, ये सेल के अंदर आप सब लोग ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं मिल रहा, बट अगर आप सब लोग बाय करना चाहते हो देन आप सब लोग बाय कर सकते हो। बट मैं आप सब लोग अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस सेल के अंदर आपको iPhone SE 2020 इतने ज्यादा बढ़िया प्राइस ड्रॉप पे नहीं देखने मिला, क्योंकि आने वाली सेल के अंदर आप सभी लोगों जो आगे सेल लेगी उसके अंदर आप सब लोगों ये जो है iPhone SE 2020 आपको 28,000 तक का भी देखने को मिल सकता है। सो ऐसा बात करते हैं iPhone XR की, तो iPhone XR आप इसको इस सेल के अंदर आपको बढ़िया प्राइस पे देखने को मिल रहा है, 39,000 रुपीज का देखने को मिल रहा है। और अगर आप सब लोग SBI के कार्ड से बाय करते हो देन आप सभी लोगों को 1,200-1,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। सो उसी के हिसाब से आपको काफी ज्यादा ठीक ठाक प्राइस पे ये देखने को मिलने वाला है। सो गाइज, अगर आप सब लोग iPhone XR बाय करना चाहते हो SBI कार्ड से, देन गाइज आप सब लोग कर लो, क्योंकि आपको काफी ज्यादा अच्छे प्राइस पॉइंट पे जो iPhone XR फिर इसके अंदर मिल रहा है। सो अगर आप सब लोग SBI कार्ड से नहीं बाय करते देन ये iPhone आप सब लोगों को कॉस्ट करेगा 40,000 रुपीज। और अगर आप सब लोग बाहर से बाय करो देन ये डिवाइस आप सब लोग कॉस्ट करेगा 48,000 रुपीज। सो अगेन आप सब लोगों को 8,000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सो ऐसा बात करते हैं कि iPhone 11 के ऊपर हमें कितना ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप सब लोग iPhone 11 एंड iPhone 12 सीरीज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा पूछते हो कि भैया हमें कितना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सो सबसे पहले बात करते हैं iPhone 11 के बारे में। सो iPhone 11 के अंदर आप सब लोगों को जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल रहा है 49,000 रुपीज का, आप सब लोगों को iPhone 11 इस सेल के अंदर कॉस्ट करेगा। सो इसके ऊपर आपको ज्यादा कुछ बढ़िया डिस्काउंट नहीं देखने को मिल रहा, 55,000 रुपीज का आपको भार पड़ता है। सो इसके ऊपर आप सब लोगों को 5,000 रुपीज का ही डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और अगर अगेन आप सब लोग SBI कार्ड से बाय करते हो देन आप 1,200-1,500 रुपए का डिस्काउंट देखने मिलेगा। सो अगर आप सब लोग iPhone 11 बाय करना चाहते हो देन मैं आप सब लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस सेल के अंदर आपको iPhone 11 इतने ज्यादा अच्छे प्राइस पॉइंट में नहीं देखने मिले। आगे आने वाली सेल के अंदर आपको iPhone 11 44,000 तक का भी देखने को मिल सकता है। एंड उसी के साथ अगर आप सब लोग बैंक से बाय करोगे देन आपके लिए और भी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। सो अगर आप सब लोग iPhone 11 बाय करना चाहते हो तो इस सेल के अंदर आप बिल्कुल भी बाय मत करो, क्योंकि आपको इतना ज्यादा बढ़िया डिस्काउंट iPhone 11 के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाला। सो गाइस, अब बात करते हैं कि iPhone 12 सीरीज के ऊपर हमें कितना ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है इस सेल के अंदर। सो गाइस, इस सेल के अंदर आपको जो डिस्काउंट है वो इतना ज्यादा बढ़िया नहीं देखने मिले iPhone 12 सीरीज के ऊपर। सो अगर आप सब लोग HDFC कार्ड से iPhone 12 सीरीज को बाय करते हो देन आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपको जो डिस्काउंट है काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप सब लोग iPhone 12 मिनी बाय करते हो HDFC कार्ड से, कोई भी कार्ड से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, देन आप सब लोगों को 6,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो उसके बाद आप सब लोग iPhone 12 मिनी कॉस्ट करेगा 62,000 रुपीज का। सो अगर आप सब लोग बाय करना चाहते हो आप सब लोग बाय कर सकते हो। सो अगेन मैं आप सब लोग बता दूं, मेड इन इंडिया वाला आने वाला है एंड उसके ऊपर आपको काफी ज्यादा बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। एंड अगेन मैं आप सब लोग सजेस्ट कर रहा हूं कि iPhone 13 सीरीज के लॉन्च तक आप सब लोग वेट कर लीजिए, जो लोग भी iPhone 12 सीरीज बाय करना चाहते हो, क्योंकि उस वक्त आप सब लोगों को iPhone 12 सीरीज काफी ज्यादा कम कीमत के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो गाइस, वही हम बात कर रहे हैं iPhone 12 सीरीज के बारे में, तो iPhone 12 सीरीज भी आप सब लोगों को 72,000 रुपीज की कॉस्ट करेगी आफ्टर 6,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आप सब लोग HDFC के कार्ड से बाय करते हो। वही हम बात करें iPhone 12 प्रो आप
लोगों को 1,10,000 रुपीज का कॉस्ट करेगा, एंड उसी के साथ iPhone 12 Pro Max आप सभी लोगों को कॉस्ट करेगा 1,20,000 आफ्टर 5,000 रुपीज इंस्टेंट डिस्काउंट। सो 5,000 रुपीज का आपको पहले डिस्काउंट मिला है, एंड उसके बाद अगेन आप सब 5,000 रुपीज का HDFC का डिस्काउंट देखने मिलेगा। जो लोग HDFC के कार्ड से बाय करना चाहते हैं देन ये फोन आप सब लोगों को 10,000 रुपीज के डिस्काउंट के आसपास आप सब लोगों को देखने मिलेगा। सो iPhone 12 आपको कॉस्ट करेगा 1,10,000, 12 Pro Max आपको कॉस्ट करेगा 1,20,000 रुपीज। सो गाइस अगर आप सब लोग और ज्यादा बढ़िया वीडियो चाहते हो iPhone 12 सीरीज के प्राइस ड्रॉप के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी साइट से बताऊंगा जहां पर आप सभी लोगों को iPhone 12 सीरीज के ऊपर काफी ज्यादा बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सो गाइस मैं आप सब लोगों को इस सेल के अंदर अभी सजेस्ट नहीं करता कि आप सब लोग इसमें से कोई iPhone बाय करो। अगर आप सब लोग iPhone बाय करना चाहते हो तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूँ कि iPhone 10R या फिर iPhone SE को आप सब लोग बाय कर सकते हो, क्योंकि वो सस्ते वाला iPhone है। अगर आप सब लोग अपने कार्ड से बाय करोगे SBI के देन आपको 1,200-1,500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बट मैं आप सब लोग अगेन सजेस्ट कर रहा हूं इतना ज्यादा बढ़िया आप सब लोगों को डिस्काउंट नहीं देखने को मिलने वाला इस सेल के अंदर। आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको जो सेल मिलने वाली है इन iPhones के ऊपर काफी ज्यादा जबरदस्त देखने वाली है, एंड उसी के साथ आपको जो iPhones के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। फिर जो लोग इतना महंगा बाय करोगे तब वो लोग पछताएंगे कि भैया हमें सस्ते में बाय कर लेना चाहिए था। सो गाइस मैं आप सब लोग अभी सजेस्ट करता हूं कि इस सेल से आप सब लोग कोई भी iPhone ना बाय करो, क्योंकि इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ बढ़िया डिस्काउंट नहीं देखने को मिला तो लेने का कोई फायदा ही नहीं रहने वाला। आई होप दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर टू वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप सब लोग चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर 15K सब्सक्राइबर्स के गोल को कंप्लीट करना है। एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन हो तो भैया जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो तब तक के लिए जय हिंद।